11 अंग और 14 पूर्व, 11 अंग और 14 पूर्व, इसके अंतर्गत जो हमारे प्रभु परमात्मा के अमृतमय उपदेश है, इन उपदेशों का सार निकाला जाए, नवनीत निकाला जाए, मक्खन के रूप में तत्व को यदि पाया जाए, चार प्रकार के तत्व सार के रूप में, नवनीत के रूप में आपको हमको सबको मिलता है। नंबर एक, इस अमृतमय वचनों का सार मात्र इतना ही है, भगवान का कहने का तात्पर्य इतना ही है, आसक्ति छोड़कर इंसान बनो। नंबर एक, आसक्ति छोड़कर इंसान बनो। इंसान बनने के पश्चात में द्रव्य से, भाव से, बाह्य आभ्यंतर परिग्रह का त्याग करके साधु बनो। नंबर तीन, साधु बनने के पश्चात में अपने मन का बलिदान देकर गुरु का शिष्य बनो, और गुरु का शिष्य बनने के पश्चात में अंतिम सारभूत इस मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मा बता रहे हैं, देह का त्याग करके सिद्ध बनो। नंबर एक, आसक्ति छोड़कर इंसान बनो। नंबर दो, द्रव्य और भाव से बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करके साधु बनो। साधु बनकर मन का बलिदान देकर शिष्य बनो, और शिष्य बनने के पश्चात अंत में देह का त्याग करके सिद्ध बनो। ये मानव जीवन का सारभूत और 14 पूर्व 11 अंग का सारभूत ये तत्व है। इस तत्व को आत्म साक्षात्कार तीर्थंकर भगवंतों ने अपने चरमावर्त काल की पर्याय से लेकर चरम शरीरी जब तक न बने तब तक परमात्मा ने इसी मार्ग का अनुसरण किया। जिस मार्ग का अनुसरण तीर्थंकर भगवंत करते हैं, और उसी मार्ग का उपदेश तीर्थंकर भगवंत भव्य आत्माओं के कल्याण के लिए, हित के लिए, वो मार्ग का उपदेश और मार्ग का संदेश तीर्थंकर भगवंत उपकार वृष्टि के रूप में आपको, हमको, सबको देते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का सारभूत नवनीत जो आपको, हमको इस पंचम काल में जो प्राप्त हुआ, बस इस पंचम काल में परमात्मा के नवनीत को यदि हम अपने हृदयागम करते हुए उस नवनीत का रसपान कर लें, नवनीत के साथ अपने त्रियोग को जोड़ लें, तो निश्चित मानकर चलना कि इन सारे नवनीत का जो पौष्टिकता है और स्वादिष्टता है, उसे आपकी, हमारी सबकी आत्मा आविर्भूत हुए बिना नहीं रहने वाली। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ आसक्ति छोड़कर इंसान बनो, और बाह्य आभ्यंतर द्रव्य से, भाव से परिग्रह का त्याग करके साधु बनो, आज इस धर्म सभा में ऐसा ही माहौल और ऐसा ही वातावरण आज आचार्य भगवंत की पावन निद्रा में उपस्थित हैं, जहाँ एक तरफ तीन तीन सैमियों के मांस खामन तप की अनुबोधना, और जहाँ खत्तर गज के 150 वर्ष के इतिहास का समीक्षा करने के बाद आपको, हमको, सबको ये गौरव के साथ अनुभूति हो रही है कि 70 शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, 150 वर्ष के इतिहास में, ये प्रथम बार शाश्वत शत्रुंजय गिरिराज में, जहाँ दादा गुरुदेव जिन कुशल सूरी ने मूल नायक परमात्मा ऋषभ देव परमात्मा के शिखर के ऊपर के गर्भगृह में चौमुखी प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा संपन्न कराई, ऐसे पूर्वाचार्यों की साधना भूमि, शासन प्रभावना भूमि, अनेकों जिन शासन के अनुष्ठान कार्य अतीत काल के इतिहास में इस शत्रुंजय तीर्थ में संपन्न हुए, उसी शत्रुंजय तीर्थ में खत्तर गज के 70 शताब्दी वर्ष के इस उपलक्ष्य में 15 मुमुक्षुओं का 150 वर्ष के इतिहास के पश्चात में एक नंदी में, एक साथ में, और एक गुरु भगवंत की निश्रा में ये भागवती प्रवज्या का भव्य आयोजन आप और हम सबके सामने उपस्थित हो रहा है। इन दोनों प्रसंग, तप और संयम, क्योंकि 14 पुरुधारी आचार्य भगवान संयम भव सूरी जिस दसवें कालिक सूत्र की रचना की, जो हमारे 45 आगम का एक अंग है, उस 45 आगम के इस दसवें कालिक सूत्र का हमारा अंग, जो इस पंचम काल के अंतिम समय तक जिसका अस्तित्व और जिसकी अमृतमय वाणी भव्य आत्माओं का मार्ग प्रशस्त करेगी,
ऐसे दसवें कालिक सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम गाथा के प्रथम चरण में ही स्पष्ट बात चौदह पुरुधारी आचार्य भगवंत स्वयंभव सूर्य कह रहे हैं, धम्मो मंगलम मुखिटम हिंसा संजमो तवो, कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। पर कौन सा धर्म उत्कृष्ट मंगल है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 600 से अधिक धर्म की धाराएं वर्तमान भारत देश में अपने को देखने जानने और श्रवण करने को मिलती हैं। ऐसे 600 से अधिक जो धर्म की धाराएं चल रही हैं, तो कौन से धर्म को उत्कृष्ट कहा गया? बिना किसी राग के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी पक्षपात के चौदह पुरुधारी ने एक हमें विशेषण बताया धर्म के उत्कृष्टता का, कि जिस धर्म में अहिंसा संयम और तप इस त्रिवेणी का संगम समागम है, वही धर्म उत्कृष्ट मंगल है। जिस धर्म में अहिंसा तत्व नहीं, संयम तत्व नहीं और तप रूपी तत्व नहीं, वो धर्म कभी भी उत्कृष्ट मंगल हो सकता नहीं है। ऐसे आचार्य चौदह पुरुधारी स्वयंभव सूर्य के बताए हुए अहिंसा संयम तप आज हम मांस खामण के तपस्वी मुनि भगवंत समर्थ रतन सागर जी महाराज साहब, जिनकी दीक्षा पर्याय के मात्र 2 साल ही व्यतीत हुए और लगभग इस धर्मसभा में उपस्थित 60% से 70% श्रद्धालु ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ में आचार्य भगवंत के 2 साल पूर्व में जो ऐतिहासिक दीक्षाओं का एक सिलसिला चला, 17 मुमुक्षुओं की अनेक गांव नगर शहर में छोटी दीक्षाएं और केवल धाम तीर्थ में 17 मुमुक्षुओं की वर दीक्षा का वो भव्य नज़ारा और भव्य त्याग की महफिल जिस किसी ने निहारी होगी, आज भी वो नज़ारा वो दृश्य जिस किसी के आंखों के सन्मुख आता है, मानस पटल पर आता है, हर्ष के आंसू, त्याग के प्रति अहोभाव और कर्म निजरा के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए जिन शासन के प्रति बहुमान भाव, हर किसी श्रद्धालु का सहज सहज निष्पन्न होने लग जाता है। तो 2 साल पहले संपूर्ण परिवार के साथ राजनांदगांव का डाकलिया परिवार, जो भी एक खतरगज का इतिहास है कि बहुत लंबे समय के वर्ष के पश्चात एक ही परिवार के पिता पुत्र और दो दो पुत्र और दो दो पुत्रियाँ, इस प्रकार से 6 सदस्यों का एक साथ जिन शासन में और गुरुराज के चरणों में समर्पित होने का ये एक अद्भुत एक अमिट इतिहास रचा गया, और उसके अंतर्गत मुनि भगवंत दीक्षित हुए समर्थन सागर जी महाराज साहब और साथ साथ में दीक्षित हुए साध्वी जी भगवंत परमाजना श्री जी महाराज साहब, ऐसे संसारिक रिश्ते से दोनों का भाई बहन का रिश्ता, पर जिस दिन से दीक्षा ली तब तक भाई बहन के रिश्ते को पूर्ण विराम देकर प्रभु के परमात्मा के शासन के एक श्रावक श्राविका और उसके पश्चात में फिर साधु संयमी के रूप में श्रमण और श्रमणी के रूप में जिनके संबंध स्थापित हुए, और ऐसे 2 गुरु भगवंतों की 2 वर्ष दीक्षा पूर्व में हुई और एक तप जैसा महान मांस खमण जैसा महान पराक्रम जिन्होंने अपने जीवन में किया है। साथ साथ में साध्वी जी भगवंत प्रणव निधि जी महाराज साहब, जिनकी छत्तीसगढ़ की दीक्षाओं के पश्चात में भोपाल में जिनकी दीक्षा हुई और लगभग उनकी भी 2.5 साल के आसपास का संयम का पर्याय है, इतने कम संयम पर्याय में भी इन साधु भगवंत ने जो महामृत्युंजय तप का जो एक अपना पुरुषार्थ किया, पराक्रम किया, आप और हम सभी इसकी अनुमोदना तो करेंगे, पर आज इस पावन प्रसंग पर तप के बारे में सार संक्षेप में जानने का हम प्रयास करें कि तप का हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव रहता है और तप के माध्यम से हमारी आत्मा किस प्रकार से उद्र गति की दिशा में गतिशील होते हुए और अपने शाश्वत सुख की दिशा को प्राप्त कर लेती हैं, तो हम जिन वाणी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, इस धर्म सभा में आप और हम सभी उपस्थित हैं, तो एक विचार कीजिए कि आप और हम सभी जो उपस्थित हैं, तो आप और हम सभी किसी के पुत्र या पुत्री तो हम निश्चित हैं। आप और हम सभी जो धर्म सभा में उपस्थित हैं, आचार्य भगवंत से लेकर श्रमण भगवंत श्रमणी भगवंत या साधु श्रावक वर्ग श्राविका वर्ग जो भी उपस्थित हैं, तमाम यहाँ पर बैठने वाले श्रद्धालु गण जिन शासन को समर्पित चतुर्विध धर्म संघ, ये किसी न के किसी का आपके हमारे पिता निश्चित हैं, हम किसी न के किसी के पुत्र निश्चित है या नहीं है?
हमारे पिता निश्चित हैं, हम किसी के पुत्र हैं, ये बात 100% सत्य है, तो ये बात भी सत्य है कि हमारे पिता के भी कोई न कोई पिता निश्चित थे। जब हमारे पिता के कोई न कोई पिता थे तो उसके भी कोई न कोई पिता सुनिश्चित थे। ऐसे यदि आपसे पूछा जाए कि आपके हमारे पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, ये परंपरा कब से चली आ रही है, कब से चली आ रही है, कितनी पीढ़ियां बीत गई, संख्यात पीढ़ियां, असंख्यात पीढ़ियां, कितनी पीढ़ियां, अनंत पीढ़ियां बीत चुकी है, क्योंकि पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, ये अनंत पीढ़ियों से सिलसिला चले 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 आ रहा है। अब यदि आप और हम सभी यदि किसी पिता के पुत्र बन चुके हैं, पर यह कोई जरूरी नहीं है कि आप और हम सभी किसी पुत्र के पिता बने, जरूरी है, ये नियम है, ये नियम हो सकता भी है और ये नियम नहीं भी हो सकता है। आप और हम सभी किसी पिता के पुत्र बनने के बाद हम किसी पुत्री के पिता बने, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे, तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि इस मानव जीवन में जिन वाणी का श्रवण करते हुए इस अनादि काल से चली आ रही पिता पुत्र की परंपराओं को विराम देने के लिए जो पुत्र आज जीवन के लिए ब्रह्मचारी व्रत को धारण कर लेता है, तो इसकी जन्म जन्मांतर की अनंत भाव से चली आ रही पिता पुत्र की परंपरा पर सदा सदा काल के लिए विराम लग जाता है। और जो मानव जीवन प्राप्त करके जिन वाणी श्रवण करने के बाद में भी पुत्र या पुत्री ब्रह्मचारी व्रत को स्वीकार नहीं करते हैं, तो निश्चित मानकर चलना वो पिता और पुत्र की, पुत्री और पिता की इस परंपरा को अनवरत अनवरत चलाए में भी अपनी भूमिका रखे बिना नहीं रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस दृष्टांत के माध्यम से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से शास्त्रकार हमको बताते हैं कि आपके पास, मेरे पास या जगत के किसी जीवों के पास ये जो औदारिक शरीर दिख रहा है, ये औदारिक शरीर आपको, हमको अपने अपने कर्मों से मिला हुआ है। अब यदि पूछा जाए ये शरीर हमको कर्मों से मिला, तो पूर्वजन्म में भी हमारे पास कर्म थे, तो पूर्वजन्म में भी हमारे पास क्या था, शरीर था। उसके पूर्वजन्मों में भी हमारे पास कर्म थे, तो पूर्वजन्मों में भी हमारे पास शरीर था। तो ये शरीर हमको कब से मिले आ रहा है, कब से मिले आ रहा है, पिता पुत्र की परंपरा अनादि काल से, तो कर्मों से मिलने वाली शरीर की परंपरा भी अनादि काल से। मिले हुए शरीर से पुण्य शरीर नहीं चाहिए, उसके लिए एक मार्ग बताया शास्त्रों में, संयम और तप का। संयम और तप के माध्यम से हम अनादि काल की कर्म और शरीर की चलने वाली परंपराओं को दी एंड कर सकते हैं और आत्मा के सच्चे सुख, निर्दोष सुख और शाश्वत सुख को भी प्राप्त करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। दुर्लभ मानव जीवन मिलने के बाद जो आत्माएं स्वयं को अंगीकार नहीं करती हैं और तप रूपी धर्म के साथ अपना संबंध स्थापित करके तप का पराक्रम नहीं करते हैं, वो अनादि काल से शरीर और कर्म इनकी चलने वाली परंपरा को कभी भी अपने जीवन में पूर्ण विराम देकर आत्मा का अक्षय सुख, शाश्वत सुख और अव्याभास सुख प्राप्त करने में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो जिन जिन आत्माओं को परमात्मा के शासन के इन सारभूत तत्वों का आत्मबोध हो जाता है, वो सब आत्माएं इस भव्य पुरुषार्थ करते हुए संयम के मार्ग में और तप के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। मुनि भगवंत और साध्वी जी भगवंत ने सद्गुरु भगवंत के माध्यम से ये जिन वाणी को श्रवण करके कम दीक्षा प्रियाय में भी अपने आत्मा के साथ चले आने वाले कर्मों की श्रृंखलाओं को तोड़ने के लिए और कर्मों से मिलने वाले अनादि अनंत काल के शरीर का संबंध विच्छेद करने के लिए ये मांस खमण जैसा सुंदर पराक्रम और सुंदर पुरुषार्थ किया, जहाँ आचार्य भगवंत की निशा में इस वर्ष 12 साधु साध्वी भगवंतों ने मांस खमण तप संपन्न किया और जिसमें लगभग अधिक से अधिक साधु साध्वी 2 साल 3 साल 1-1 साल के दीक्षा पर्याय वाले साध्वी भगवंत साधु भगवंतों ने ये मांस खमण तप संपन्न किया। इस प्रकार से आज मुनि भगवंत समर्थन सागर जी महाराज साहब, प्रणव दीदी जी महाराज साहब और साथ साथ में हमारे साध्वी जी भगवंत प्रमाजना सिंह जी महाराज साहब इनके मांस खमण तप की अनुमोदना करते हैं। कहते हैं शास्त्रकार भगवंत, मांस खमण तप
जैसा महान तप कहाँ संपन्न हुआ, शाश्वत गिरिराज शत्रुंजय महातीर्थ में। एक सभी जन ध्यान से सुने, शत्रुंजय लघु कल्प में वर्णन आता है कि अन्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति उपवास करके जितनी कर्मों की निजरा करता है उतनी कर्मों की निजरा मात्र शत्रुंजय तीर्थ में एक नौकारसी तप करके भी कर लेता है। कोई भी आत्मसाधक अन्य किसी क्षेत्र में पोरसी करके अन्य क्षेत्र में बेला करके जितने कर्मों की निजरा करता है उतनी कर्मों की निजरा शत्रुंजय तीर्थ में पोरसी करके भी आत्मसाधक कर लेता है। कोई भी आत्मसाधक अन्य क्षेत्र में तेला करके जितने कर्मों की निजरा करता है उतनी कर्मों की निजरा इस शत्रुंजय तीर्थ में एकमात्र पुरमिड की तपस्या करके उतनी कर्मों की निजरा कर लेता है। कोई आत्मसाधक किसी अन्य क्षेत्र में एकाशना करके जितने कर्मों की निजरा करता है और इसी शत्रुंजय तीर्थ में वही आत्मसाधक पांच उपवास करके उतने कर्मों की निजरा कर लेता है। और कोई व्यक्ति अन्य क्षेत्र में 15 उपवास करके जितने कर्मों की निजरा करता है वो आत्मसाधक शत्रुंजय तीर्थ में एक आम्बिल तप करके उतने कर्मों की निजरा कर लेता है। और कोई अन्य आत्मसाधक अन्य किसी क्षेत्र में एक उपवास मांस खामण करके जितने कर्मों की निजरा करता है और शत्रुंजय तीर्थ में वही आत्मसाधक एक उपवास करके उतनी कर्मों की निजरा कर लेता है। तो बंधुओं बताओ कि जब अन्य क्षेत्र का मांस खामण और शत्रुंजय तीर्थ का एक उपवास दोनों में कर्म निजरा एक समान, तो इन गुरु भगवंतों ने या जिन जिन आत्म साधकों ने शत्रुंजय तीर्थ में मांस खामण किया तो इनके मांस खामण कितने हो गए, कितने मांस खामण हुए, एक मांस खामण हुआ या 30 मांस खामण हुए, 30 मांस खामण। यह शत्रुंजय तीर्थाधिराज शाश्वत गिरिराज का अचिंत्य महाप्रभावशाली प्रभाव जिससे लाभान्वित हो रहे हैं आचार्य भगवंत की निश्रा में सैकड़ों साधु साध्वी और लाखों की संख्या में श्रद्धालु गण लाभान्वित होते जा रहे हैं। कर्म निजरा के इस मार्ग में एक मास खमण करके 30-30 मास खमण जितनी कर्मों की निजरा करने वाले इन तपस्वियों की आप और हम सभी अनुमोदना करते हैं। कार्यक्रम अपनी सीमा को ले समय की सीमा को लेकर उपस्थित हुआ है, हम हर कार्यक्रम के साथ जुड़ना है, हर अनुबोधना के अवसर के साथ आपको हमको साक्षी बनना है। इसके लिए मांस खामण के तपस्वियों की अनुबोधना आचार्य भगवंत मुनि भगवंत साध्वी जी भगवंत और आप और हम सभी चतुर्विध धर्म संघ मिलकर 3-3 मांस खामण के तपस्वियों की अनुबोधना करते हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं 15-15 मुमुक्षुओं का संयम संग्राम का आज वर्षीदान रथ यात्रा। अद्भुत ये जिन शासन पूर्व में कहा आसक्ति छोड़कर इंसान बनो, द्रव्य और भाव से बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करके और साधु बनो, जिस वचनों का तीर्थंकर भगवंत खुद अनुसरण करते हैं ऐसे तीर्थंकर भगवंत परोज्या के पूर्व में एक वर्ष तक क्या देते हैं, वर्षी दान देते हैं। कितने वर्ष तक, एक वर्ष तक। एक वर्ष में कितना वर्षी दान, एक वर्ष में कितना वर्षी दान, 388,80,00,000 सोने की मोहरों का वर्षीदान तीर्थंकर भगवंत एक वर्ष में देते हैं। 360 दिन में इतना वर्षीदान तीर्थंकर भगवंत देते हैं। इसलिए कहा तीर्थंकर भगवंत उपदेश देते नहीं है, उपदेश का अनुसरण करके फिर अपने अमृतमय वचनों से जगत के जीवों के हित के लिए कल्याण के लिए इस प्रकार का अमृतमय वचन का क्या करते हैं, हमारे पर अम्मी वृष्टि के रूप में बरसाते हैं। तो तीर्थंकर भगवंत जिस वर्षीदान के साथ जुड़ते हैं और एक दिन में वर्षीदान देते हैं 1,08,00,000 सोने की मोहरों का वर्षीदान, और उसको यदि मण में निकाला जाए 9,000 मण सोने की मोहरों का वर्षीदान प्रतिदिन तीर्थंकर भगवंत देते हैं। और इसको एक मण यानी 40 किलो और एक दिन में कितनी सोने की मोहरों का 12,36,00,000 सोने की मोहरों का एक दिन में वर्षी दान देने वाले हमारे तीर्थंकर भगवंत। और ऐसे दान धर्म की उपदेश देने के पहले खुद दान धर्म का
पालन करने वाले और दान धर्म के साथ जुड़कर स्व और पर का हित साधने वाले और इस परमात्मा के शासन में स्व और पर के हित का ये दान धर्म की आलोचना करने वाले, व्याख्या और क्रिटिसाइज करने वाले, निंदा करने वाले अपनी वाणी को, अपनी जबान को अपनी लगाम में रखे, नहीं तो तीर्थंकरों के द्वारा सेवित मार्ग और तीर्थंकरों के द्वारा उपदेशित दान धर्म के मार्ग की वाणी के माध्यम से मानसिक रूप से भी यदि हमने आलोचना की, खंडन किया, जन्म जन्मांतर तक अनादय नाम क्रम, अशुभ नाम क्रम, असाता का नाम क्रम और साथ साथ में जन्म जन्मांतर तक दुर्लभ बोधि के पाप कर्मों का बंध आत्मा के साथ हुए बिना रहने वाला नहीं है। इस वर्षीदान के प्रभाव को हम समझें कि तीर्थंकर भगवान जो वर्षीदान देते हैं, इस वर्षीदान के प्रभाव का उल्लेख हमारे यहाँ पर आचार्य भगवान खत्रगच्छाचार्य नव अंगी टीकाकार अभय देवसूरी जिन्होंने नौ अंगों पर टीकाओं की रचना की और साथ साथ में जिन्होंने स्तंभन पाशनाथ भगवान को प्रकट किया, ऐसे नौ अंगी टीकाकार आचार्य भगवंत अभिदेवसूरी कहते हैं तीर्थंकर भगवंतों के वर्षीदान जिन किसी उत्तम आत्माओं को मिलते हैं, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं, भव्य आत्माओं को मिलते हैं, क्योंकि अब भव्य आत्मा कभी तीर्थंकर भगवंतों के हाथ से वर्षीदान ग्रहण कर सकते नहीं है। यानी तीर्थंकरों के हाथ से दान लेने के लिए भी आत्मा की पात्रता, आत्मा की योग्यता और आत्मा की लायकात होना जरूरी है और उसके बिना तीर्थंकर भगवंतों के हाथों से वर्षीदान प्राप्त कर सकते नहीं है। तो कहते हैं तीर्थंकर भगवंतों के हाथ से 64 इंद्र के अलावा कोई भी देव क्या कर सकते हैं, वर्षीदान ले सकते नहीं है। इतने करोड़ों देवों में, असंख्यात देवों में मात्र 64 इंद्र ही तीर्थंकर भगवंतों के हाथ से सोने की मोर लेते हैं और एक सोने की मोर जो 64 इंद्र लेते हैं उसका प्रभाव क्या, तो शास्त्रकार भगवंत नव अंगी टीकाकार आचार्य भगवंत अभिदेवसूरी कह रहे हैं कि उस एक सोने की मोर 64 इंद्रों को जब मिलती हैं, एक सोने की मोर का प्रभाव कि 2000 सागरोपम वर्ष तक इंद्रों के बीच में कहीं पर भी युद्ध होता नहीं है। 2000 सागरोपम वर्ष तक इंद्र शांति के साथ, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एकमात्र सोने की मोरों के वर्षीदान का इंद्र के जीवन में यह प्रभाव। यदि चक्रवर्ती तीर्थंकर भगवंत से हाथ से एक सोने की मोर का वर्षीदान लेवे तो उस चक्रवर्ती के राजकोष में 12 वर्ष तक किसी प्रकार का धन, अर्थ, संपदा, वैभव का अभाव नहीं आता है। एक सोने की मोर चक्रवर्ती को मिल जाए और राजकोष में रख जाए तो 12 वर्ष तक कभी भी राजकोष का कोई भी राजकोष खाली और कम हो सकता नहीं है। नंबर 3, यदि एक सोने की मोर कोई भी मनुष्य, कोई भी भव्य आत्मा, कोई भी चरम शरीरी या उत्तम आत्मा, निकट मोक्षगामी आत्मा, ये कोई भी एक व्यक्ति भगवान के हाथ से सोने की एक मोर ले ले, 12 वर्ष तक उसको शरीर में कोई नया रोग उत्पन्न हो सकता नहीं है। 12 वर्ष तक कोई नया रोग शरीर में उत्पन्न नहीं हो सकता है। सन 2016 के पहले तीर्थंकर भगवंतों के हाथ से यदि सोने की मोर का एक भी दान आपको, हमको, किसी को मिल जाता तो शायद कोरोना की महामारी और कोरोना का वायरस भी इस विश्व में अपना अंतक क्या बोले कोरोना का वायरस भी इस विश्व में अपना अंतक फैलाने में सफलता हासिल नहीं कर पाता। ऐसे तीर्थंकर भगवंत दान धर्म के जिसकी व्याख्या उल्लेख करते, इस दान धर्म का संचार करते हैं और सौहित के लिए और उसी दान धर्म की प्रवाह का और उस दान धर्म के अनुकरण करते हुए और तीर्थंकरों के वचनों को आत्म साक्षात करते हुए आसक्ति छोड़कर ये 15-15 मुमुक्षु इंसान बने, अब द्रव्य और भाव से बाह्य और आभ्यंतर
परिग्रह का त्याग करके जो साधु बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, और साधु बनने के लिए जब तीर्थंकर भगवान तत्पर बने, उस समय उन्होंने जो आचरण किया, जो अनुकरण किया, उसी धर्म का अनुकरण करते हुए आज 15-15 मुखियों की भव्यति भव्य वर्षीदान रथ यात्रा का आयोजन हुआ। वर्षीदान रथ यात्रा की वर्तमान की व्यवस्थाओं को ध्यान रखते हुए आचार्य भगवंत के निर्देश के अनुसार उपस्थित तमाम श्रद्धालुओं को इन मुखियों के वरदस्तों से आज वर्षीदान के रूप में आपको भी कुछ न कुछ प्राप्त होना है, कुछ न कुछ उपलब्ध होना है। तो सभी से रिक्वेस्ट, इस 15-15 मुमुक्षु जिस परमात्मा के शासन को समर्पित होने जा रहे हैं, जिस परमात्मा के वचनों का अपने हृदय में आत्म साक्षात्कार करते हुए और जिन शासन को समर्पित होते हुए संयम के योद्धा के रूप में और कल संयम की रणभूमि में प्रवेश करके और आभ्यंतर शत्रुओं को पराजित करने के लिए एक महान विराट युद्ध के साथ जुड़ने जा रहे हैं, इसके पूर्व में आज यहाँ के मंगली के पश्चात उपस्थित तमाम श्रद्धालुओं को मुक्षों के वरदस्तों से आज वर्षीदान प्राप्त होगा। वर्षीदान में पड़ा पड़ी नहीं, छिन्ना झपटी नहीं, बड़े विवेक के साथ, अनुशासन के साथ और मर्यादाओं के साथ आपको वर्षीदान अहो भावपूर्वक, बहुमान भावपूर्वक लेना है। कोई आग्रह रखे नहीं और कोई भी अपने मुमुक्षु का राग मोह रखे नहीं, हमारे मुमुक्षु के हाथ से हमें वर्षीदान लेना है। ये उत्तम परिणामों के बीच में इन मोह के भावों को यदि आपने स्थान दिया तो आपके वर्षीदान के उत्तम भावों को ये मोह के परिणाम आपके प्रभाव वर्षीदान का कम किए बिना रहने वाले नहीं है। तो सबसे रिक्वेस्ट है जिस मुमुक्षु के वरदस्तों से तुम्हारे वर्षीदान का योग है, उस मुमुक्षु के हाथ से वर्षीदान लेकर आपको प्रस्थान करना है। आगामी सारी जानकारी समय पर आपको दी जाएगी। तो आज 15-15 मुमुक्षुओं का एक सुंदर संयम संग्राम में, एक संयम की रणभूमि में और संयम योद्धा के रूप में कल भगवान महावीर शासनपति के दीक्षा कल्याण के उपलक्ष में जो संयम की रणभूमि में प्रवेश करेंगे और कल से इनकी अध्यात्म जगत की एक संयम की आचार्य भगवान की निश्रा में एक नीति पूर्वक एक आभ्यंतर कसायों के साथ, कर्मों के साथ, विषयों के साथ और दुर्बुद्धियों के साथ और दुर्विचारों के साथ जो इनका युद्ध लड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, और किस उत्साह के साथ, किस पराक्रम के साथ और किस शौर्य के साथ कल अपने परिवार से, सौजन परिजन इन तमाम से विदाई लेकर और गुरु भगवंत की निश्रा में कल संयम की रणभूमि में प्रवेश पाने का अधिकार प्राप्त करेंगे। वो नज़ारा ठीक कल प्रातःकाल 4:45 बजे प्रत्येक मुमुक्षुओं का माँ अभिनिष्क्रमण यात्रा के रूप में वहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। 5:45 बजे ठीक वहाँ से प्रारंभ हो जाएगा और उसके साथ साथ लापसी लूट का कार्यक्रम इस प्रकार का रखा गया है। नौकारसी लगभग 7:55 पर आएगी और कल तो लगभग मेरी अपेक्षा से सबकी पोर्सी 60 पोर्सी के पचकाण रहेंगे, क्योंकि जब तक मुमुक्षु कृमि मंत्र का उच्चारण न करे और तब तक कोई भी पचकाण पालकर वापरने का कार्य शायद नहीं करेंगे। इतना तो अपना इंद्रियों का संयम, आहार का संयम और देह का संयम की प्रस्तुति देंगे, इनके त्याग के साथ अपने त्याग धर्म में आगे बढ़ेंगे। तो कल ठीक नौकारसी न आने की वजह से मुमुक्षु लापसी को स्पर्श करके रखेंगे, फिर आपके आहार भोजन की जो भी व्यवस्था रहेगी उसमें मुमुक्षुओं की लापसी लूट की जो व्यवस्था, जो प्रसादी है, वो प्रसादी आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इसके पश्चात में यहाँ पर 6 बजे प्रवेश करने के बाद यहाँ पर धूमधाम के साथ इनके प्रवेश के बाद दीक्षा विधि प्रारंभ हो जाएगी। दीक्षा विधि प्रारंभ के बाद शुभ मुहूर्त में जिस धर्म ध्वज का वर्षों से इंतजार था, जिस धर्म ध्वज को प्राप्त करने के लिए परिवार से संघर्ष किया और परिवार से संघर्ष करके धर्म ध्वज प्राप्त करने का अधिकार लिया, ऐसे मुख्यों को कल आचार्य भगवंतों के वरदस्तों से धर्म ध्वज प्राप्त होगा। और धर्म ध्वज प्राप्त का नजारा दृश्य आप हम सब निहारते हुए हम भी कर्मों की निजा के मार्ग से जुड़ेंगे। उसके पास दीक्षा की विधि और वेश परिवर्तन के बाद नामकरण आदि के माध्यम से ये दीक्षा विधि कल सम्पन्न होगी। और आज ठीक शाम को 4 बजे मुमुक्षुओं की अंतिम वायना, 6 बजे मुमुक्षुओं के द्वारा धूमधाम के साथ गाजते बाजते परमात्मा के अष्ट प्रकारी त्रिकाल पूजा के अंतर्गत आज अंतिम मुमुक्षुओं के जीवन में अंतिम आरती की पूजा इसी प्रांगण में आप सभी के साथ रहेगी, कुमारपाल महाराजा के साथ रहेगी और आप सभी सदस्यों के साथ रहेगी। इसके साथ साथ में रात्रि को आज मुमुक्षुओं का अभिनंदन विदाई का भव्य अति भव्य कार्यक्रम, और अभिनंदन विदाई में कोई भी संघ,
कोई भी सोसाइटी और कोई भी परिवार का व्यक्तिगत बहुमान नहीं होगा। ऋषभ जिनेश्वर पेड़े जो खत्तर वसई के उदयमान के लिए एक संस्था का गठन आचार्य भगवंत की पावन प्रेरणा से हुआ, उस पेड़ी के द्वारा बहुमान किया जाएगा और वही बहुमान आप सभी का बहुमान माना जाएगा। इसलिए कोई भी व्यक्तिगत नाम का उल्लेख अपना सुपारी जी गोलचा को अन्य किसी कार्यकर्ताओं को न लिखाएं। और उसके साथ साथ मुमुक्षुओं का वक्तव्य है और प्रत्येक मुमुक्षुओं के लिए आचार्य भगवंत ने 8 से 10 मिनट का समय निर्धारण किया है। सभी मुमुक्षु 8 से 10 मिनट के उस सब्जेक्ट के समय के अनुसार आप अपनी भावनाएं, आप अपने उद्गार, उपकारी के प्रति, शासन के प्रति, ये अपने उपकारों के प्रति अपनी भावों की अभिव्यक्ति करना है। और इसके साथ साथ रात्रि विदाई, विदाई के पश्चात प्रातःकाल की विधि पूर्व में बता दी गई। इस प्रकार से ये महामांगलिक दीक्षा के प्रसंग के आप और हम सभी साक्षी बनेंगे। अब तीन तीन मास खमण के तपस्वियों को ऋषभ जिनेश्वर पेड़ी और आप सभी के द्वारा इनकी आराधना साधना में उपयोगी बनने वाली जिन प्रतिमा इनकी साधना में रोज आलमन के रूप में, आराध्य के रूप में जो सहयोगी बनने वाली जिन प्रतिमा है उसको सादर समर्पित करने का, केसर से केसर छांटना करने का मास खमण के तपस्वियों का और अक्षत से बधाने का, ये तीन विधान यहाँ संपन्न करने के बाद और आगामी कल का कार्यक्रम की जानकारी देते हुए इस धर्मसभा को विराम देते हुए पुण्य वर्षीदान के साथ जुड़ेंगे और उसके बाद पुण्य संध्या आरती और उसके पश्चात अंतिम वायना आरती और अभिनंदन विदाई के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। जिन आगे कुछ कहने में आया तो मन वचन का ऐसे मिच्छामि दुग्गडम। एक विशेष एक एक मुमुक्षु के हाथ से एक ही माला आपको लेनी है। जो एक से अधिक माला लेगा, एक से अधिक माला लेने वाले श्रावक श्राविकाओं को एक वर्ष में 9 लाख का नौकार मंत्र का जाप करना अनिवार्य रहेगा। जिसको एक वर्ष में 9 लाख का जाप संपन्न करना है वही एक से अधिक माला ले, और जिसको 9 लाख का जाप संपन्न नहीं करना है वो विवेक से एक ही माला का उपयोग करेंगे। इसके साथ साथ पहली बार इस प्रकार के दीक्षा के पावन प्रसंगों में जो जो विधि विधान होते हैं, अनुष्ठान होते हैं और आत्म हितकारी जो भी हमारे यहाँ पर अमृत अनुष्ठान संपन्न होते हैं, केसर छांटना, डोरा बंधन आदि, इसके साथ साथ वर्षीदान रथ यात्रा और 14 उपकरण जो ये संयम जीवन के महान कल्याण के हित का कारण बनने वाले हैं, इन तमाम उपकरणों से संबंधित, तमाम मांगलिक विधानों से संबंधित आपके जीवन में भी मुक्षों की तरह व्रत पचकार नियम आए, और उसके लिए आचार्य भगवंत ने एक छोटी सी नियमावली की पुस्तक बनाई है। वो नियमावली की पुस्तक पीछे काउंटर पर रखी हुई है, उसको आप अपने हाथ में लें, उसको पढ़ें और पढ़कर उसमें से आपकी शक्ति, सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार किंचित किंचित नियम जरूर अपने जीवन में धारण करें। इस प्रकार की विधि के साथ भी आपको जुड़ना है। ये पुस्तक पीछे काउंटर पर है और इनवेंट वाले कार्यकर्ता पीछे ये पुस्तक उपलब्ध करावें। और इसके बाद में सुपारी जी सा गोलचा, सभी से रिक्वेस्ट है, आचार्य भगवंत का निवेदन है, जो भोजन की कक्ष की और प्रस्थान कर रहे हैं उन सबसे विशेष रिक्वेस्ट, आचार्य भगवंत का कहना है कि अभी आहार करने के लिए समय योग्य नहीं चल रहा है। योग्य समय में आहार करने से ही आपका आहार आरोग्यप्रद, स्वास्थ्य के लाभप्रद बनता है, और बिना समय आदि को ध्यान में रखे हुए आरोग्य समय बेकाल समय में यदि आहार करेंगे तो आपका आहार आपके आरोग्य के लिए लाभकारी बने या न बने ये भी निश्चित हो सकता है। इसके लिए यथा योग्य समय पर, उचित समय पर आपको आहार की विधि से जुड़ना है। अभी शांति से बैठकर आगामी मास खमण के तपस्वी जो आज जिनके 30-30 उपवास है, 30 दिन से बिना आहार किए भी रह सकते हैं, तो 1 घंटे हम विलंब करके भी आहार के बिना भी हम रह सकते हैं अपने विवेक का परिचय देते हुए। जब तक मास खमण के तपस्वियों का अभिनंदन न हो जाए और उनका गुणानुवाद न हो जाए तब तक कोई भी धर्मसभा को छोड़कर न जाएँ।